चलिए दोस्तों, आज हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि कैसे टिकट करना है ATVVM से। हम अपने मोबाइल से यहाँ पे देख लीजिए, आप यहाँ पे देखते रहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, चेक ट्रेन एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करना, और जहाँ का आपको टिकट काटना है उसका पहले चेक कर लेना है या नहीं है। यहाँ पे जैसे आरा हम चेक किए हैं, यहाँ पे आरा का देखिएगा तो यहाँ पे ट्रेन देख लीजिए कितना बजे से है। यहाँ पे पहले ट्रेन देख लेना, उसके बाद बैक टू होम पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे ऑल अदर स्टेशन पे क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे अपना ट्रेन का नाम, जहाँ स्टेशन है स्टेशन का नाम सेलेक्ट करना है और उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे चैन ज्वेलरी डिटेल्स पे क्लिक करना है, और आप जितने स्टूडेंट जितने भी यहाँ पे टिकट काटिएगा उतना 4 मेंबर तक के काट सकते हैं मैक्सिमम। यहाँ पे आप 4 से ज़्यादा नहीं करेंगे, और यहाँ पे चाइल्ड जो होगा बच्चे का यहाँ पे काट सकते हैं। उसके बाद आपका ट्रेन कौन सा, मेल एक्सप्रेस है या फिर सुपर फास्ट है, तो ये देख लीजिए ऊपर। आप यहाँ पे देख लीजिए डेमो के लिए ऊपर सुपर फास्ट जो है ऊपर दिखेगा, अभी मेल एक्सप्रेस दिख रहा है तो थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद आप देखिएगा सुपर फास्ट का अलग से आता है, यहाँ पे देख लीजिए सुपर फास्ट का आ गया है, तो SF जो लिखा रहेगा वो सुपर फास्ट का होगा। तो यहाँ पे ज़्यादातर मेल एक्सप्रेस ही काटा जाता है, तो यहाँ पे मेल एक्सप्रेस के क्लिक कीजिएगा। उसके बाद पे पे क्लिक करना है, और उसके बाद पे पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे रुपया आ रहा है 85 रुपये, और यहाँ पे पे QR पे यूजिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे QR कोड आएगा, इसको स्कैन कर लेना। चलिए हम ये स्कैन करके आगे बढ़ जाते हैं। स्कैन करने के बाद हम यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है, पे ऑनलाइन कर देना, उसके बाद पिन डाल के आगे बढ़ जाना। तो आप से करिए इस तरह से आ जाएगा कलेक्ट योर टिकट, और नीचे आप यहाँ पे देख लीजिएगा टिकट यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से टिकट खुद से काट सकते हैं। और यहाँ पे अगर प्लेटफॉर्म टिकट करना, इसका जो वैलिडिटी होता है 24 घंटे तक ही होता है। अगर प्लेटफॉर्म टिकट काटना है तो यहाँ पे आप प्लेटफॉर्म टिकट पे क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पे जितना टिकट काटना है उतना क्लिक करके, और यहाँ पे देख लीजिए 10 रुपया यहाँ पे पे, उसके बाद फिर इसी पे क्लिक करके पे कर देना है।